खबर कासगंज के पटियाली तहसील क्षेत्र से है, जहां ग्राम राजेपुर कुर्रा में आकाशीय बिजली गिरने से दो किसानों की दर्दनाक मौत हो गई। घटनाक्रम के अनुसार शुक्रवार सुबह तड़के 4 बजे करीब 32 वर्षीय भूरे पुत्र कमल सिंह एवं 35 वर्षीय अरविंद पुत्र गंधर्व सिंह खेत पर गेहूं काटने गए हुए थे। मौसम खराब हुआ और बूंदाबांदी होने लगी, तभी दोनों किसान खेत पर पड़ी एक झोंपड़ी में जाकर छिप गए। तभी अचानक बादल गड़गड़ाए और आकाशीय बिजली झोंपड़ी पर गिर गई। हादसे में दोनों किसान आकाशीय बिजली की आगोश में आ गए, जिससे दोनों की बुरी तरह झुलस कर मौत हो गई। किसानों की मौत से परिवार एवं गांव में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी पर पटियाली तहसीलदार निधि पांडे एवं थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मृतकों के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं तहसीलदार ने मृतकों के स्वजनों को देवी आपदा कोष से 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन दिया है। सुबह के टाइम आकाशीय बिजली गिरने से एक झोंपड़ी में दो 35-40 वर्ष के दो युवक आकाशीय बिजली गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। और सुबह हम मौके पर पहुँचे, तहसीलदार साहब भी पहुँचे, तो वहाँ हमने देखा कि उनके जो परिवार थे दोनों की शादी हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में हमने उनको समझाया कि आपको जो है सरकार की तरफ से जो भी अनुग्रह राशि है वो तत्काल जिलाधिकारी महोदय द्वारा शासन को प्रेषित कर दी गई सूचना, और जैसे ही पीएम रिपोर्ट आएगी तो हम कोशिश करेंगे कि आज ही 24 घंटे के अंतर्गत उनको अनुग्रह राशि प्राप्त हो जाए। सर, ये घटना घटी कहाँ पर थी? ये घटना राजेपुर गुर्रा गांव है, जो कटरी का गांव है अपना, और करीबन सुबह का टाइम था और मौसम ख़राब होने की वजह से वो दोनों ही अपना छुपने के लिए झोंपड़ी में आए थे, तो उसी समय आकाशीय बिजली गिरने से इनकी मृत्यु हो गई थी। देवी आपदा कितनी धनराशि दी जाती है? देवी आपदा के तहत इनको 4 लाख रुपए अनुग्रह राशि प्रदान की जाती है, जो भी नियमानुसार है वो टाइम से इनको उपलब्ध करा दी जाएगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।